सर मैं सिक्के 28/6 पाछो पंडवा गली मकान जो धाराशाही हो गया है, मैं उसका मकान मालिक हूँ। कैसा मकान था ये? क्या सर, काफी दिनों से ये मकान जर्जर थी, लगभग कम से कम 15 से 20 साल से ये जर्जर है। और हम लोगों के ऊपर दो किरायेदार रहते थे, हम लोगों ने उनको उनसे काफी दिन से मुकदमा चल रहा था और हम लोगों ने नगर निगम में भी नोटिस दे रखा था। काफी दिनों से नगर निगम का चक्कर हम लोग काट रहे थे और जो वहां पर अधिकारी बैठे रहते हैं, वहां पर अधिकारी बस पैसा मांग रहे हैं कि हमको पैसा मिलेगा तब हम साइन करेंगे, तब आदेश पास करेंगे कि ये मकान डिमोलिश किया जाए कि नहीं किया जाए। कितने लोग रहते थे इसमें अभी गिरा है? गिरने से पहले जो बगल वाला सिक्की 28/7 मकान गिरा है सर, उसमें कम से कम 8 से 9 लोग रहते थे, उनके परिवार वाले पूरे मकान मालिक सहित। तो कितने लोग दबे होंगे लगभग? सर इधर अभी 6 से 7 लोग दबे थे जिनको NDRF वाले काफी हद तक निकाल लिया है बाहर। एक लोग का मृत का संभावना है और जो NDRF लोगों ने क्या नाम से पुष्टि कर दिया। कितने बजे की घटना होगी अब जब? सर ये घटना राइट 2:50 या 3 बजे के लगभग की है और हमको हमारे जो नीचे हमारे बहादुर काम करते थे उन्होंने कॉल किया कि अजीत भैया मकान बहुत धराशायी हो रहा है, बहुत तेजी से गिर रहा है, आप जल्दी चौक पर आइए, अपने दुकान के पास आइए। वो उनकी पत्नी और बाहर से ही शटर उठा के अपना बाहर भागे गली में, वो अपना अपने दिमाग से अपना जान बचाए और हमको कॉल किया कि आप जल्दी आइए, तब मैं 3:10 पे यहाँ पर आया था। एकाएक मकान गिर गया कि आवाज आई कैसे? सर बगल वाला मकान काफी हद तक क्षतिग्रस्त हो चुका था और ये जो मनीष गुप्ता और रमेश गुप्ता है ये लोग कागज नगर निगम और ये आपको मंदिर परिसर कार्यपालक के यहाँ काफी दिन से दौड़ रहे थे कि हमको या तो मरम्मत करवाने के लिए परमिशन दिया जाए या तो हमारा मकान खरीद लिया जाए। उन लोगों की तरफ से कोई एक्टिविटीज नहीं मिली। तो क्यों नहीं ये मकान ये विश्वनाथ मंदिर सटा हुआ इसलिए नहीं परमिशन दे रही थी? सर उन लोग का सवाल ये था कि अभी अभी हमको कोई जरूरत नहीं है, अभी मैं नहीं लूंगा, अभी फंड भी नहीं आया हुआ है। अच्छा, ये बेचने के लिए तैयार थे? ये बेचने के लिए तैयार थे, हम लोग भी तैयार थे सर कि जिस हिसाब से मंदिर जिस हिसाब से हमारा मकान क्षतिग्रस्त है उसको या तो नगर निगम बनाने के परमिशन दे या तो हमको हमसे मंदिर परिसर खरीद ले ताकि हम लोग के जान माल की सुरक्षा हो सके। लेकिन प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया, कोई एक्टिविटी नहीं था उन लोगों की तरफ से, बस वो लोग केवल घूस मांग रहे थे कि हमको पैसा मिलेगा तब हम आदेश देंगे कि मकान गिरा है, इसको गिराया जाए या न गिराया जाए नगर निगम। कितना दूर है इससे विश्वनाथ मंदिर से? सर मंदिर यहाँ से ज्यादा ज्यादा 50 मीटर की दूरी पर है, हमारे सीके 28/6 और सीके 28/7 से मकान ज्यादा ज्यादा 50 मीटर की दूरी से है और गलियों में काफी लाइन लगी रहती है। किस गेट से दूरी है 50 मीटर? सर गेट नंबर 4 से ज्यादा से ज्यादा 50 मीटर की दूरी है सिक्के 28/7 जो मकान अभी दीवार से सटा हुआ है ये विश्वनाथ मंदिर जी? नहीं, ये बगल में तो दीवार दिख रही है ये गिरी नहीं, ये सटी हुई नहीं है। देखिए यह रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग अब अपनी समाप्ति की तरफ है, परिवार के टोटल यहाँ पर 9 सदस्य इसमें ट्रैप हुए थे जिसमें से सभी 9 सदस्यों को यहाँ से निकाल लिया गया है, सभी को हॉस्पिटल यहाँ का कबीर चौरा जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ पर इलाज के लिए भेजा गया है जहाँ उनका बेहतर इलाज कराया जा रहा है। एक महिला कांस्टेबल इसमें इंजर्ड हुई थी जो यहाँ पर ड्यूटी पर थी उसको BHU ट्रामा सेंटर भेजा गया है जहाँ पर डॉक्टरों ने उसकी हालत खतरे से बाहर बताई है। इसमें जितनी भी हमारी फोर्सेस हैं NDRF है SDRF है फायर सर्विस है PAC है लोकल पुलिस है सभी के सहयोग से ये ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है और अभी तक सफल ऑपरेशन ये रहा है। इसमें कबीर चौरा हॉस्पिटल में एक महिला की मौत की इसमें खबर आई है जिसको अभी कंफर्म किया जा रहा है। कुछ दबे हुए हमें अभी जैसा परिवार के सदस्यों का कहना है कि सभी लोग निकाले जा चुके हैं, उनके परिवार का कोई भी सदस्य इसमें नहीं है, फिर भी हम प्रिकॉशन के तौर पर अपने जो डॉग स्क्वाड है उसके माध्यम से इस बात का पता लगाएंगे कि कोई व्यक्ति इसके अंदर मलबे में कोई और तो नहीं दबा है। विश्वनाथ मंदिर के नजदीक है और ये बिल्कुल फटा हुआ है और जर्जर था, इसको डिमोलिश करने की भी कोई मैंने से बात कर रही थी या नहीं? अभी इस तरह की कोई बात नहीं है और अभी हम लोगों का पूरा ध्यान रेस्क्यू ऑपरेशन पर है और जो भी इंजर्ड हैं उनको इलाज कराने पर पूरा ध्यान है। महिला कांस्टेबल यहाँ ड्यूटी पर थी, मंदिर में ड्यूटी करने आई थी जो इंजर्ड हुई है।